जय श्री राधे। आप पूरे प्रश्न सुनती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि राधा रानी जो मेरे को सेवा ले रही हैं वह सफल हो रही है। चंद्रावली जो हैं वो राधा जी की ही अंशभूता हैं। मधुर रस में सभी प्रकार का रस का आस्वादन लेने के लिए राधा जी ने अपनी ही अंश से चंद्रावली सखी को प्रकट किया है। राधा जी वामा हैं और चंद्रावली दक्षिणा हैं। वामा का अर्थ ये होता है कि भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए अनुनय विनय करते रहते हैं और राधा जी मना करती रहती हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी शाम को देखेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी तुम तो ऐसी बात करते रहते हो। और जो दक्षिणा नायिका होती हैं वो चंद्रावली श्याम सुंदर के पीछे पड़ी रहती हैं। श्याम सुंदर आज हमारी कुंज में आ जाओ, आप तो हमारे पास आते ही नहीं हो, आप तो बैठते ही नहीं हो, आज हम आपके साथ चलेंगे। तो ये दोनों प्रकार के रस हैं कि एक सखी के पीछे श्याम सुंदर लग रहे हैं और एक सखी श्याम सुंदर के पीछे लग रही है। सारी सखियां जिस प्रकार से राधा रानी की अंश हैं उसी प्रकार चंद्रावली भी राधा रानी की अंश हैं। टेक्निकली राधा रानी की विपक्षी हैं, राधा रानी अपने पक्ष की हैं और चंद्रावली दूसरे पक्ष की हैं। फिर होता क्या है, जब राधा रानी कहती है नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो फिर श्याम सुंदर कहते हैं ठीक है प्रिया जी, फिर ऐसा करता हूँ मैं शाम को आऊँगा आपके पास, अभी मैं चंद्रावली से मिल के आता हूँ। तो तुरंत ही प्रिया जी कहते नहीं 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 उसके पास नहीं जाना, आओ 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 मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो ये एक रस वृद्धि के लिए चंद्रावली है और पद्मा है, शैव्या है, उसकी भी एक अष्ट सखियाँ हैं, अंतरंग लीला है। यहाँ व्हाट्सएप पर बताने की बात नहीं है, इसमें ग्रंथ छपे हुए हैं हरि नाम प्रेस से, वहाँ से आप ग्रंथ मंगा के देख सकते हैं। और बस मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि चंद्रावली भी राधा जी की है, लेकिन वो दूसरे प्रकार से उन्हें रस देती है। जय श्री राधे, जय निताई।